हेलो दोस्तों, आई होप यू आर वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल गल्फ जेन्युइन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोग के बीच में पुनः उपस्थित हो गया हूँ एक नया वैकेंसी लेकर एक नया कंपनी के लिए। दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, यह सिनोपेक कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है, जो चाइनीज कंपनी है। इसको चाहिए टिग एंड आर्क वेल्डर, चाहिए पाइप फैब्रिकेटर, चाहिए पाइपिंग फोरमैन, चाहिए रीगर लेवल 3 का चाहिए जो आराम को अप्रूव्ड हो। इसमें सैलरी दिया गया है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सैलरी है। इसका इंटरव्यू डेट 29 तारीख को सूरत में है, बड़ोदरा में 30 तारीख को है, अगस्त में 1 और 2 तारीख को मुंबई में है, और बिजाज में 4 और 5 तारीख को है। सिनोपेक कंपनी जो है दोस्तों, ये एक चाइनीज कंपनी है सऊदी का। इसमें कमाने के लिए बहुत ही अच्छा है और आपका सैलरी भी इसमें बहुत अच्छा दिया गया दोस्तों। ये साइपम स्टार प्रोजेक्ट के लिए, साइपम स्टार प्रोजेक्ट कंपनी के लिए यह बहुत ही अच्छा कंपनी है। इसमें स्ट्रक्चर वेल्डर का सैलरी दिया गया है 2000 से 2200 सऊदी रियाल, पाइप फिटर का इसमें सैलरी दिया गया है 1600 से 1800 सऊदी रियाल, फैब्रिकेटर का सैलरी इसमें 1800 से 2000 सऊदी रियाल है। दोस्तों, स्टार साइपम का जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये साइपम स्टार प्रोजेक्ट है। ये साइपम ओरिजिनल साइपम नहीं है, ये साइपम स्टार कंपनी है। इसका फैब्रिकेशन का काम है, इसमें फैब्रिकेशन का काम होगा। ये इसका इंटरव्यू बड़ोदरा में 1 अगस्त हुआ है दोस्तों। ये पेट्रोफेक कंपनी के लिए है, या पेट्रोफेक क्लाइंट कंपनी है। इसमें इसको चाहिए स्टाफ कैटेगरी का है, इसमें डिजाइनर एंड इंजीनियरिंग प्रोफेशनल इसको चाहिए। सिविल का भी चाहिए, इलेक्ट्रिकल का भी चाहिए, मैकेनिकल का चाहिए, P&ID का चाहिए इसको भी, जो भी चाहिए डिजाइन एंड इंजीनियरिंग प्रोफेशनल जो है इसके लिए उसका एक रिक्वायरमेंट है। या स्टाफ कैटेगरी का जो भी भाई इस कैटेगरी के लिए इसके अंदर एबिलिटी है वो पेट्रोफेक कंपनी में जा सकता है। पेट्रोफेक बहुत ही अच्छा कंपनी है और क्लाइंट कंपनी है, बहुत ही अच्छा इसमें पैकेज देगा आपको। पेट्रोफेक में अप्लाई कीजिए और जाइए। ये आप ऑफिस का एड्रेस आपका दिया गया है, इसमें आप इस ऑफिस में फोन करके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यह सऊदी का रिक्वायरमेंट है दोस्तों, ये शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए 6 से 9 महीना के लिए। ब्राइट इंटरनेशनल ऑफिस में है, ब्राइट इंटरनेशनल ऑफिस बहुत ही अच्छा ऑफिस है। इसमें QA/QC इंस्पेक्टर चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, वेल्डिंग इंस्पेक्टर चाहिए, सेफ्टी ऑफिसर चाहिए, मैकेनिकल फोरमैन चाहिए, पाइप फैब्रिकेटर चाहिए, मैकेनिकल फिटर, रीगर लेवल 2 और 3 चाहिए, वर्क परमिट चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है दोस्तों एम घी वाला ग्लोबल का। इसमें डिलीवरी इसको ड्राइवर चाहिए, डिलीवरी ड्राइवर। फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू उसका दिल्ली में 5 तारीख को है और मुंबई में 7 अगस्त हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, मस्ट है वैलिड एक्सपायर्ड। अगर एक्सपायर्ड भी अगर सऊदी लाइसेंस रहेगा वो चाहिए इसको। एबल टू रीड स्पीक इंग्लिश चाहिए इसको, थोड़ा बहुत इंग्लिश का जानकारी होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है दोस्तों UK, आयरलैंड और कनाडा और जर्मनी के लिए। ये नर्स कैटेगरी का जॉब है। इसमें कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, जो भी भाई अगर इसके लिए एबिलिटी अगर रखता हो, BSc JNM का डिग्री चाहिए इसको, उसमें IELTS आपको पास होना चाहिए। आयरलैंड के लिए ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आपका BSc का डिग्री होना चाहिए, JNM पास होना चाहिए। जो भी भाई इसके लिए अप्लाई करना चाहता हो, जिसके लिए इसमें एबिलिटी रखता हो, इस ऑफिस में कॉन्टेक्ट करके अपना CV जमा करके इसमें इंटरव्यू देके जा सकता है। ये ओमान के लिए लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट के लिए इसका रिक्वायरमेंट आया है अम्बे इंटरनेशनल ऑफिस में। अम्बे इंटरनेशनल ऑफिस बहुत ही अच्छा ऑफिस है दोस्तों। इसका रिक्वायरमेंट है दोस्तों, आर्क वेल्डर चाहिए, टिग एंड आर्क वेल्डर चाहिए, स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर चाहिए, पाइप फैब्रिकेटर चाहिए, ग्राइंडर चाहिए, गैस कटर चाहिए, हेल्पर भी चाहिए, पेंटर, ब्लास्टर, होल वाचर, फायर वाचर, मैकेनिक चाहिए। अम्बे इंटरनेशनल बहुत ही अच्छा ऑफिस है दोस्तों, आप इसमें शॉर्ट लिस्टिंग कराइए और ओमान के लिए इंटरव्यू देने के लिए अपना डेट फिक्स कीजिए। जो भी डेट में बुलाएगा आप जाके इंटरव्यू दीजिए और ओमान में जाइए। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एजेंट के चक्कर में मत पड़िए। जो भी मैं रिक्वायरमेंट डालता हूँ जेन्युइन डालता हूँ और जेन्युइन ऑफिस का ही डालता हूँ। और बहुत सारा एजेंट लोग का भी रिक्वायरमेंट रहता है, लेकिन मैं अपना इसमें अटेंड नहीं करता हूँ। अपना एजेंट का जो भी रिक्वायरमेंट है इसमें अटेंड नहीं करता हूँ। तो दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।